किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के दिए गए विवादित बयान पर पंजाब में कार्रवाई की मांग उठने लगी है। किसानों के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने मांग की है कि कंगना रनौत पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाए। कंगना के इंटरव्यू के बाद पूर्व मंत्री ने वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, कंगना रनौत आए दिन पंजाब के नेताओं के खिलाफ जहर उगलती हैं। आज कंगना रनौत ने कहा, किसान युद्ध विरोधी हैं। उन्होंने देश के किसानों के साथ गलत व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान हत्याएं और रेप हुए। कंगना रनौत वह किसी के उकसावे पर बोल रही हैं। बीजेपी को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। वह बीजेपी के निर्वाचित सांसद हैं। वह कोई साधारण कलाकार नहीं है, वह एक सांसद है। बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करता हूं कि जांच के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उनके खिलाफ NSA लगाया जाए और डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाए। आपको बता दें कि एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। वो कई मौकों पर कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए नजर आई हैं। विपक्ष पर हमलावर रहने वाली कंगना रनौत ने अब किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा हुई, वहां रेप और हत्याएं भी हुई थी। वो तो केंद्र सरकार ने कृषि बिलों को वापस ले लिया, नहीं तो इन लोगों की काफी लंबी प्लानिंग थी। ये देश में कुछ भी कर सकते थे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो ये लोग पंजाब को बांग्लादेश बना देते। किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा था वो देश से छिपा नहीं है। आंदोलन के दौरान लोगों को मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जैसे ही सरकार ने कृषि बिल को वापस लिया तो ये सारे उपद्रवी चौंक गए। अब कंगना के इन्हीं बयानों पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने भड़कते हुए कंगना रनौत के खिलाफ NSA लगाए जाने तक की मांग कर दी है।